वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग टिप्स एंड केयर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे और घर पर ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है समर का सबसे सुपर हार्डी प्लांट। जी हाँ फ्रेंड्स, समर का सबसे सुपर हार्डी प्लांट है, आप देख के सामने समझ गए होंगे, बोगनविला। पहले ये जो है, पहले के टाइम में ये ऐसे ही जंगली लोग झाड़ियों के रूप में उगाया करते थे, बट अब ये गार्डनर की जो है फर्स्ट चॉइस बन गया है। कई सारे कलर्स में आता है, अब जो है छोटे छोटे बॉन्साई शेप में भी आता है। ये देखिए मेरे पास वाइट है जो कि अपने आप ही कलर चेंज करके पर्पलिश सा हो गया है, और ये पिंक है, ये छोटा सा जो है शेप में है, और ये वाला भी मेरा पिंक ही निकला है, और अभी जो है ये सेकेंड टाइम जो है फ्लावरिंग कर रहा है। एक मेरे पास येल्लो भी है फ्रेंड्स, और एक मेरे पास बड़ी वाइन में भी है। ये देखिए येल्लो, इसके भी सारे फ्लावर स्पेंट हो चुके हैं, और एक मेरे पास गाजरी कलर का भी है जो मैं आपको कई बार शॉर्ट में दिखा भी चुकी हूँ। तो बहुत ही हार्डी प्लांट्स है और बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा प्लांट है। कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, बस आप इसको फुल डे की सनलाइट दे दें और थोड़ा बहुत पानी देते रहें, और कभी कभी इसको बस थोड़ी बहुत खाद दे दें, उसमें ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और समर के लिए तो स्पेशली सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि आपके गार्डन में बालकनी में जो है कलर ऐड करता है। अब देखिए सेम कलर के थे, फिर भी मैंने दो ले लिए कि बालकनी के कॉर्नर में एक साथ दो तीन रखे हुए हों, तो कभी किसी में फ्लावरिंग होगी, कभी किसी में होगी, तो दूर से देखने में जो है बहुत अच्छा सा लगता है बालकनी का कॉर्नर, पिंक पिंक सा, रेड रेड से कलर का। रेड कलर भी आता है इसमें फ्रेंड्स, वेरीगेटेड वाला। देखिए ये मेरा गाजरी कलर का है, और ये भी मेरा 3 साल पुराना है प्लांट, तो अभी इसमें से भी सारे फ्लावर स्पेंट हो चुके हैं। अब अगेन दोबारा जो है ये फ्लावरिंग पर जल्दी ही आ जाएगा। मैं आपको वही सारे पॉइंट आज डिस्कस करूँगी दोबारा जल्दी फ्लावरिंग के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं इसकी सनलाइट की। तो फ्रेंड्स, इसको जितनी ज़्यादा सनलाइट आप प्रोवाइड करा सकते हैं उतनी सनलाइट प्रोवाइड कराइए। कम सनलाइट में आप इसे रखेंगे तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, ये लोग ऐसा कहते भी हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। कम सनलाइट अगर आप इसको देंगे, चाहे विंटर की हो चाहे समर की, कम से कम इसको 6-7 घंटे की सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए। देखिए जो इसका फूल होता है वो ये छोटा सा बीच वाला वाइट होता है, बाकी तो इसके ये जो है आप देख रहे हैं ये खाली जो है इसकी कलर लीव्स होती हैं जिसको कि ब्रेक्स बोलते हैं। मेन फ्लावर इसका बीच वाला ये छोटा सा होता है, बट हम इस छोटे से फ्लावर के लिए नहीं, इसके इस कलरफुल जो है पेटल्स के लिए ही, इसको ब्रेक्स के लिए ही लगाते हैं। तो आप सनलाइट की मैंने बात कर दी, जितनी ज़्यादा सनलाइट आप दे सकते हैं इसको दीजिए। और दूसरी बात, जब तक आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हुई है तब तक आप इसको वाटरिंग कम कीजिए, यानी इसको तब तक थोड़ा सा ड्राई साइड पे रखिए। देखिए ये प्लांट मेरा कबूतर तोड़ गए थे, मैंने इसको जो है डॉक्टर टेप लगा के जो है ठीक कर दिया, और देखिए दोबारा फ्लावरिंग पे आ गया। बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, अगर कोई टहनी अगर आपको ऐसा लगता है कि टूट गई है तो आप उसको टेप लगा के जो है ठीक कर दीजिए, थोड़े दिन बाद वो टहनी अपने आप ही हील हो जाएगी और आपका जो है प्लांट बिल्कुल ठीक रहेगा। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि जो है आप जो है आप इसको जब तक ये इसमें प्लांट में फ्लावरिंग होना स्टार्ट नहीं होती है फर्स्ट टाइम, तब तक आप जो है इसमें कम वाटरिंग करें, और जब आपको लगता है कि फ्लावरिंग पर आपका प्लांट आ गया है तब आप उसको जो है डेली वाटरिंग करें, जैसे आप अपने और प्लांट्स की करते हैं, यानी एक बार दिन में सुबह अच्छे से या शाम को जब भी आप वाटरिंग करते हैं तो अच्छे से वाटरिंग कर दें। लेकिन जब तक आपका प्लांट फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग पे नहीं आया है तब तक आप उसको कम पानी दीजिए, हो सके तो आप 2-2 दिन तक उसको पानी मत दीजिए। जितना वो ड्राई साइड पर रहेगा उस टाइम पर तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरा लाइफ साइकिल ख़त्म होने वाला है और जल्दी से मैं फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर दूँ, और ऐसा करता भी है, वो जल्दी से फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर देता है। और जब वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस करे तब आप उसको जो है अच्छे से वाटरिंग भी दें और थोड़ा सा उसको फर्टिलाइज़ भी कर दें। मिट्टी की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो कैसी भी मिट्टी में चल जाता है, हार्डी मिट्टी में बहुत आसानी से चल जाता है, लेकिन हम चूंकि पॉट में लगाते हैं तो पॉट में लगाने के लिए हम इसकी मिट्टी को थोड़ा सा वेल्ड्रेंड मिलाएंगे। हाँ, इसमें हम जो है सैंड की मात्रा सिर्फ 20% रखेंगे, 40% आप जो है अपनी गार्डन की सॉइल ले लीजिए, 40-50%, 20% सैंड ले लीजिए, और 20-25% आप इसमें जो है कंपोस्ट ले सकते हैं। कंपोस्ट में गोबर की खाद इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, गोबर की खाद आपके पास नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी नीम की खली डाल दीजिए, थोड़ा पेस्ट अटैक से हमारा बचा रहता है, और 1 चम्मच बोन मील ऐड कर सकते हैं हम इसमें। बोन मील फॉस्फोरस देती है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो जो है हमारी प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए और अच्छे स्टेम के लिए, मोटी और थिक स्टेम के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरीके से आप एक अच्छी सी मिट्टी बना के इसको लगा लें, तो बार बार आपको उसको जल्दी फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। महीने में एक बार आप इसमें चाहें तो जो है गोबर की खाद डाल सकते हैं। अब गर्मियां हैं तो आप जो है लिक्विड फॉर्म में दे दीजिए गोबर की खाद बना के, मैं उस पर भी वीडियो मेरा है लिक्विड खाद पे, मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो उस पर फिर लाने लगी हूँ कि गर्मियों में अपने प्लांट को किस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र से फर्टिलाइज़ करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जो गोबर की खाद का बना के 2-3 दिन पानी में भिगो के रख के वो डाल दीजिए, और वो उसको आप इना मंथ दे सकते हैं। कभी कभी आप देना चाहें तो जो है जैसे बनाना पील का फर्टिलाइज़र आप अपने और प्लांट्स को देते हैं
तो वो भी दे सकते हैं। बस ऐसे ही जो है इसमें और ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पेस्ट अटैक की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसमें कोई पेस्ट अटैक नहीं होता है कभी भी। हाँ बस जो है कभी आपको लगे कि पत्तियाँ आपकी कुछ पीली वगैरह हो रही हैं, अगर आप ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं तो उन पीली पत्तियों को थोड़ा सा तोड़ दीजिए। वैसे कभी फंगस से ही कभी ख़राब नहीं होता है, ये प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है। तभी मैंने इसको आपको बताया कि ये अगर समर का कोई सुपर हार्डी प्लांट है तो वो बोगनविला ही है। तो बस इसकी बस इतनी सी केयर है, सनलाइट आप इसको बहुत अच्छे से दीजिए। देखिए मैंने इसमें नीचे मल्चिंग के लिए जो है पोर्चुलाका की और पर्सलिन की जो है कटिंग्स लगा दी हैं, और वो कटिंग्स नीचे भी काफ़ी बड़ी हो गई हैं। तो क्या है, ऊपर हमारा प्लांट ग्रो करेगा, ऊपर से जो हमारे ऊपर से भी फ्लावरिंग होगी इसके अंदर, और नीचे से अभी समर का टाइम है तो हमारी पर्सलिन पोर्चुलाका भी जो है नीचे से जो है ग्रो करेंगी, और नीचे भी छोटे छोटे से फूल उनमें खिलेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने पॉट को डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पॉटिंग मिक्स भी बता दी, दोबारा फर्टिलाइज़र भी बता दिया, और जो है मिट्टी भी बता दी, सनलाइट भी बता दी। और बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे जो या फिर जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं जिनके पास ज़्यादा प्लांट की टेक केयर करने का टाइम नहीं है। इसमें जो है फ्रेंड्स मिक्स कलर का भी आता है, रेड एंड वाइट में, वाइट एंड पिंक में। तो आप इस तरीके के 7-8 प्लांट जो है एक कॉर्नर में जो है पूरा लगा दीजिए, छोटे छोटे से 8 से 10 इंच के गमलों में भी आसानी से चल जाता है, क्योंकि इसको रूट बाउंड होना पसंद है। तो आप इसको बहुत जल्दी जो है दोबारा रिपोर्ट करने की मत सोचिए कि प्लांट बड़ा हो गया, छोटे से छोटे गमले में भी बहुत आसानी से चल जाता है। मेरा एक प्लांट 3 साल से एक बोनसाई पॉट में लगा हुआ है और उसी में वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो मैंने सोचा भी उसको चेंज करूँ, लेकिन जब मैंने सोचा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है तो चेंज करने की क्या ज़रूरत है, वो रिपीटेडली फ्लावरिंग करता रहता है। हाँ, जैसे इसकी एक फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए आप उस बंच को तो कट कर ही देंगे, लेकिन दोबारा इसको फ्लावरिंग के लिए तैयार करने के लिए उस टाइम पे आप इसमें थोड़ी सी खाद डाल दें। वो खाद में आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या काउडंग कंपोस्ट, या फिर दोनों को मिक्स करके 1 से 2 मुट्ठी अच्छी तरीके से डाल दें। तो वो डालने से दोबारा फ्लावरिंग पे ये बहुत ही जल्द आ जाता है, लगभग जो है 15 दिन के अंदर ही दोबारा आपका फ्लावरिंग पर आ जाएगा। लेकिन रखिए इसको आप फुल सनलाइट में, और पानी जो है आप इसको देख कर ही दीजिए, मिट्टी जब अच्छे से ड्राई हो जाए तभी दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं है। और वो टिप मैंने आपको बता दिया, अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं करना है तो आपको क्या करना है, 2 से 3 दिन तक उसको पानी नहीं देना है, खूब मिट्टी को अच्छे से सूखने देना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें ये लगा रखी हैं, और ये देखिए खूब बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इसकी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर कॉस्ट की बात करूँ तो ये छोटा छोटे जो प्लांट होते हैं ये 40 से 50 रुपीज़ में आराम से नर्सरी में मिल जाते हैं, और जो बड़े बड़े बेल वाले होते हैं वो जो लोग पॉट में वो लगा कर देते हैं या फिर जो बोनसाई वो बना कर देते हैं तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, वो 100-150 से स्टार्ट होते हैं। बहुत ही प्यारा प्लांट लगता है फ्रेंड्स गर्मियों में। तो जो है आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने ये प्लांट अभी तक नहीं लगाया है तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर लगाइए, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए नर्सरी मत जाइए, सब लोग घर पर ही रहिए, सेफ़ रहिए और सुरक्षित रहिए। जैसे ही कोरोना थोड़ा सा ठीक होता है और गवर्नमेंट बोलती है कि अब आप लोग बाहर निकल सकते हैं, तब आप नर्सरी विज़िट ज़रूर कीजिएगा। ये प्लांट आपको 12 महीने नर्सरी में अवेलेबल होता है, बहुत सारे कलर्स में आता है। चलिए फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।